वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ेरा टेट। आज हमने देखा कि कुछ ही देर पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया, उस पर बात करेंगे और बजटरी कुछ एलोकेशन है उस पर हमारी डिस्कशन होगी। शुरू हम करेंगे प्रोग्राम कोरोना के हवाले से, और आपको मालूम है कोरोना का जो इस वक्त बढ़ता हुआ रुझान है पाकिस्तान में, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और इस सब में हमने देखा कि WHO के जो यहाँ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ख़त लिखा हुकूमत को और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, यानी कि ऑन ऑफ, दो हफ्ते ऑन करें, दो हफ्ते ऑफ करें। और इस वजह से, क्योंकि इसमें तेज़ी बड़ी आ रही है, उनका कहना था कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। और फिर काफ़ी बात की कि ट्रेसिंग वगैरह और टेस्टिंग वगैरह, उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके जवाब में हमने देखा कि आज जफर मिर्ज़ा साहब ने बताया, प्राइम मिनिस्टर के जो हैं स्पेशल असिस्टेंट, उन्होंने कहा जी हम तो एक होलिस्टिक पॉलिसी कर रहे हैं जो अडॉप्ट हमने की हुई है। हमने इक्तसादी सूरत हाल भी देखनी है और हमने यही सूरत हाल भी देखनी है जो कोविड की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर मुल्क ने अपनी सिचुएशन देखनी है, और उन्होंने कहा अपनी सॉवरेन चॉइस, यानी कि एक मुल्क है, उसने अपनी मर्जी से अपने हालात को देख के चलना है। साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के अपने जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि मसलन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वो दो रोज से तवातुर से कह रहे हैं जी करें लॉकडाउन, करें ये करें। और फिर डॉक्टर जावेद अक्रम साहब, नाज़रीन आपको मालूम है प्रोग्राम्स में हमारे आते हैं, वाइस चांसलर हैं लाहौर में यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये फरमाया, उनका हमने कहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा जी कर्फ्यू लगा दें, बंद करें, कुछ करें, क्योंकि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यही डिबेट है आज के हमारे प्रोग्राम में, यही डिस्कशन होगी। हमारे साथ नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट पर्सन, जो फोकल पर्सन हैं कोरोना वायरस पर, डॉक्टर सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ डॉक्टर जावेद अक्रम साहब होंगे, और उसके बाद हमारे साथ प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कुछ होंगे। फैसल साहब, ये बताइएगा कि आपने जो WHO के ज़ाहिर स्टेटमेंट आई है, वो आपने भी देखी है, ख़त आपने भी देखा है, तो उनकी कंसर्न वैलिड है या नहीं? जी बिल्कुल, उनकी कंसर्न तो वैलिड है, और वो कंसर्न कतई उससे फर्क नहीं है जो कि मुल्क में किसी भी क्वार्टर से फील की जा रही है। उसका एनालिसिस और उसका रिस्पांस और उसकी जो उसका रिएक्शन है, उसमें कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन उनकी कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि गुज़िश्ता दिनों और हफ्तों में जो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, इस बीमारी का फैलाव ना सिर्फ के आदाद शुमार के जरिए हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंस ग्राउंड से होती है, जो हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव आ रहा है, वो खासा वाजे है, तो उनकी कंसर्न तो बिल्कुल समझ आती है। उनकी कंसर्न वैलिड है। अच्छा, और उस एक जो और बात की जफर मिर्जा साहब ने, उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर जावेद अक्रम साहब बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं। एक तो आपने कहा, इफ़ यू वर कोटेड करेक्टली, आपने ये फरमाया कर्फ्यू लगाएं क्योंकि ये हालात इतने बिगड़े हुए हैं। वो जो मिनिस्टर साहब हैं, यानी स्पेशल असिस्टेंट हैं जफर मिर्जा साहब, वो कह रहे हैं जी हमने मास्क का कहा है, लोग मास्क लगाएंगे उससे हालात बेहतर होंगे, हम SOPs को इन्फोर्स करेंगे, तो देन वॉट इज द इशू? डॉक्टर जावेद अक्रम साहब, देखिए नसीम, मैं उस वक्त भी यही कहा था जो आप कोट कर रहे हैं कि देखें, हमने एज ए डॉक्टर, एज ए टेक्निकल पर्सन, और मेरा भाई फैसल है आपके साथ, हमने तो सिर्फ बीमारी देखनी है, गवर्नमेंट ने तो पूरा मुल्क देखना है, मईशत भी देखनी है, भूख भी देखनी है, बाकी इकोनॉमी वगैरह की सिचुएशन देखनी है। तो हम तो एज ए प्योरली टेक्निकल पर्सन ये कह सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली, क्योंकि डिजीज इज इंक्रीजिंग, तो जब डिजीज इंक्रीज करती है तो ये इंडिकेशन है कि आप लॉकडाउन करें, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, सिर्फ कहने का नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ताकि ट्रांसमिशन रुके और ट्रांसमिशन कम हो। रुक तो शायद नहीं जाएगी, उससे कम हो जाएगी, जो बहुत तेजी से बढ़नी थी उसकी तेजी कम हो जाएगी, थोड़े से हम फ्लैट कर पाएंगे इस कर्व को, और दूसरा ये हमें टाइम मिल जाएगा कि हम जारी जो हेल्थ केयर कैपेसिटीज बढ़ा लें। तो लेकिन जो मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने ऑब्वियसली वो उन्होंने पूरा सारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डेफिनेटली जो WHO ने भी कहा, अलबत्त मैं उनकी एक चीज़ से अब एज ए क्लिनिशियन, नॉट एज एन एपिडेमोलॉजिस्ट, मैं अग्री नहीं करता कि जो टेस्टिंग की, अब वो वक्त गुजर चुका है जब टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग हम कहते थे, अब देखें इस वक्त ये क्लिनिकल डायग्नोसिस बन गया है। मैं जो मरीज देखता हूं और उसकी माँ को था कोरोना या है, और
साथ बच्ची को भी हो गया, तो मैं उसे कहता हूं कि बेटा अब टेस्ट करने के इतना कोई फायदा नहीं, अब 12 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करो और क्वारंटाइन करो, और 12 दिन के बाद क्योंकि वायरस शेडिंग खत्म हो जाती है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो प्रैक्टिकली फिर उस वक्त शी कैन बी यू नो अलाउड टू रिज्यूम हर वर्क और वॉट एवर। तो अभी इस, और ये केस डेफिनेशन जो है ये सिर्फ मेरी नहीं है, यूके ने भी यही अपनाई थी जब ये एक पैंडेमिक एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज कर गई थी। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हमें ज्यादा जो तवज्जो इस वक्त देनी है वो इस पे देनी है, जैसे डेफिनेटली मास्क इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, और इसीलिए ये हैंड हाइजीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो हम रिपीटेडली कहते हैं, हजूम नहीं होने चाहिए डेफिनेटली, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से इसकी ट्रांसमिशन हम रोक सकें, और उसके लिए जो सबसे मुवस्सर टूल है वो यही हो सकता है कि आप इसको लॉकडाउन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये फरमा रहे हैं, देखिए ना ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप और बहुत से और डॉक्टर्स ये कहते जा रहे हैं कि जी आप लॉकडाउन करें, आप रिस्ट्रिक्ट करें मूवमेंट बहुत, लेकिन देखिए ना आप साथ ये भी कह देते हैं कि जी हुकूमत ने तो ब्रॉडर पिक्चर देखनी है, तो ब्रॉडर पिक्चर तो देखनी है हुकूमत ने, तो फिर आप लोग कहते क्यों? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। या तो आप कहें कि जी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अगर थोड़ी कॉस्ट उधर होती इक्तसादी, लेकिन दो हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन करें क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होंगी, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, हम बात होगी तो ये क्राइसिस होती हुई नजर आ रही है, तो इकोनॉमिक प्रेशर है, लेकिन फिर भी आप हम हुकूमत को कहते हैं बड़ी यानी कि ताकीद से कहते हैं कि कुछ देर लॉकडाउन करें। आई विल गो टू डॉक्टर फैसल ऑन दिस ऑल्सो, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप साथ ये भी कह रहे हैं कि जी आप समझ रहे हैं कि हुकूमत तो नहीं कर सकती, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग सर आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, सर एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ये नहीं कह रहा कि हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत को मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये ऑप्शन माइंड में रखें और बड़े सीरियसली इसको कंसिडर करें। देखें मैं मुझत का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो एक प्योरली एक टेक्निकल डॉक्टर हूँ, तो मैं तो एक बीमारी को लेकर चल रहा हूँ, पूरे मुल्क को नहीं लेके चल रहा, उनको अल्टरनेटिव इसको लॉकडाउन ऐसे नहीं कि मैं आज 7 बजे से लॉकडाउन वो कर दें। ऑब्वियसली अगर लॉकडाउन करना है तो किसी प्लान के तहत करना है, लोगों को राशन पहले पहुंचाना है, एक पूरी चेन चलनी है कि कोई भूख तंगी ये नहीं हो, और जाहिर है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगी, उसके लिए प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, इट इज ए वेरी वेरी अपहिल टास्क। तो मैं गवर्नमेंट को एक ये कह रहा हूं कि ये जरूर कंसिडर करें ये ऑप्शन, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट इज एवर इंक्रीजिंग अनफॉर्चुनेटली, एंड वी आर लूजिंग प्रेशियस लाइफ्स एंड पीपल आर इंक्रीजिंगली सफरिंग फ्रॉम दिस। कल की तारीख में देख लें कि 100 डेथ्स हुई हैं, तो ऑब्वियसली डेथ्स को तब आप कम करें पाएंगे जब रॉ मटेरियल जो डेथ को फीड कर रहा है, जो ट्रांसमिशन कम होगी लोगों में कम होगी, तो वो परसेंटेज कम होगी तो डेथ्स भी कम होगी। तो मेरी यही गुजारिश है, जो दुनिया ने लॉकडाउन ईज आउट किया है वो तब किया है जब उन्होंने थोड़ा सा उस कर्व को फ्लैट कर दिया, बिल्कुल फ्लैट तो नहीं हुआ, थोड़ा सा कर्व। तो वो टेक्निकल चीजें हैं ना ये, तो देखिए इस वक्त क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दिस इज प्रोबेबली शायद हमारा पहला लॉकडाउन मौसर नहीं था या वो अर्ली हो गया था, तो अब आई थिंक गवर्नमेंट शुड maybe reconsider it with all these preparations and all these hum to as a technical unko sirf health ke point of view se ye de rahe hain, but hamari yahi appeal hogi government se ki wo isko zehen mein rakhe ki ultimately agar humne is pe resort karna hi hai to earlier the better, the earlier better। जी डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि आप बिल्कुल ठीक बात है, आप अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट पे जो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी को भी इंटैक्ट रखना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप फरमा रहे हैं आप तो 2 महीने से कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें इसको रिस्ट्रिक्ट करें ट्रांसमिशन को, लेकिन वो तो नहीं हो रहा, तो आपके सामने है, यू मे बी अ टेक्निकल पर्सन लेकिन आपका पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, कमी तो नहीं आ रही जी, जैसे आपने कहा कि इसमें तो
बढ़ावा आ रहा है इस मर्ज में, तो क्या फिर हम डॉक्टर फैसल साहब से भी पूछेंगे ब्रेक के बाद नाज़रीन, के हुकूमत कंसीडर करेगी कि यानी कि थोड़ा लॉकडाउन कभी ओपन करे कभी क्लोज करे, ताकि वो इकोनॉमी जो है वो इतना सफ़र भी ना करे, लेकिन जैसे डॉक्टर जावेद अकरम साहब कह रहे हैं ट्रांसमिशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, हमें मालूम है आपने जाना है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, ये गुफ्तगू जारी रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है तैमूर झगड़ा साहब ने, केपीके के वेरी एक्टिव हेल्थ मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया तैमूर आपने हमें ज्वाइन किया। हमें मुसर्रत चीमा साहब ने ज्वाइन किया, लाहौर की फोकल पर्सन है, पंजाब की फोकल पर्सन कोरोना वायरस पे, और हमारे साथ फोकल पॉइंट पर्सन जो है कोरोना वायरस के नेशनल लेवल पे डॉक्टर फैसल सुल्तान, सभी मौजूद हैं। फैसल, ये बताइएगा कि अभी आप सुन रहे थे जो कह रहे थे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, तो ये बात तो दुरुस्त है कि पिछले दो महीने से डॉक्टर्स कह रहे हैं जी करें लॉकडाउन करें, क्योंकि अदरवाइज फैलाव भी होगा, प्रेशर भी पड़ेगा, डेथ्स भी ज़्यादा होंगी, और वो हम देख रहे हैं कि वो बात आप भी ये फरमाते रहे हैं, आपने भी ये प्रोजेक्ट किया है, तो क्या कोई कंसिड्रेशन है बियॉन्ड के मास्क को करें और ये सब चीज़ें हों, कुछ कंसिड्रेशन? और ये भी मालूम है कि 600 जगह लॉकडाउन है इस वक्त एज वी स्पीक, यानी लोकेलिटीज वगैरह में, इससे ब्रॉडर कोई कंसिड्रेशन है कि लॉकडाउन हो? शुक्रिया जी, मैं सबसे पहले तो जो आपने WHO का सवाल पूछा था, मैं उसको कंटिन्यू और एड्रेस करना चाहूंगा, बिकॉज उसमें आपके ये जो बाकी सवाल आते हैं काफी आंसर हो जाते हैं। आपने पूछा कि क्या हम वो कंसर्न शेयर करते हैं, बिल्कुल कंसर्न तो बिल्कुल जेन्युइन है, वो हम शेयर करते हैं, लेकिन मैंने आपसे अर्ज की कि उसका जो रिस्पांस और रिएक्शन है या जो उसकी स्ट्रेटजी है उसमें कुछ फर्क जरूर हो सकता है। जैसे जावेद अकरम साहब ने फरमाया कि देखिए, अगर इसको प्योरिस्ट होके और बतौर प्योर प्रोफेशनल्स आप कहें कि हाँ बिल्कुल सबसे इफेक्टिव तरीका तो यह है कि हर कोई आइसोलेट हो जाए या उसको आइसोलेट कर दिया जाए, तो नेचुरली बीमारी की ट्रांसमिशन जो है वो खत्म हो जाएगी या नियरली जीरो हो जाएगी। लेकिन इसको एक कॉन्टेक्स्ट और पराये में देखना होता है, और उसकी एनफोर्सेबिलिटी, उसकी वायबिलिटी, बाकी माशरे का स्ट्रक्चर और बाकी तमाम चीजों को देखना है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये WHO के जो लेटर है इसको मैं थोड़ा सा डिसेक्ट करना चाहता हूँ या इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने 6 कंडीशन का जिक्र किया, उसमें लिखा कि जी डिजीज ट्रांसमिशन इज अंडर कंट्रोल। डिजीज ट्रांसमिशन, जिन मुल्कों ने लॉकडाउन खत्म भी किया, किसी जगह भी डिजीज ट्रांसमिशन अंडर कंट्रोल नहीं थी। यू कुड आर्ग्यू कि उनके केसेस कम हो रहे थे, लेकिन ट्रांसमिशन बाहर क्या वाज ऑन गोइंग, कंट्रोल एक मुभम सी या एक कदरे ग्रे सी चीज है। फिर दूसरी चीज ये है कि हेल्थ सिस्टम्स कैन डिटेक्ट, टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट एवरी केस एंड ट्रेस एवरी कॉन्टैक्ट। ये मेरे ख्याल से सिवाय बहुत छोटे से मुल्कों में जहां बहुत रोबस्ट और पुराने इफेक्टिव एस्टेब्लिश सिस्टम्स हों, वहां एवरी कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना इन्फेक्शियस डिजीजेस में ये मुमकिन नहीं होता, और इस तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस में एवरी कॉन्टैक्ट नहीं ट्रेस हो सकता। कोशिश होती है कि मैक्सिमाइज किया जाए। सो ये हमारी जो टेस्ट ट्रेस की सारी स्ट्रेटजी है वो इन प्लेस है, और वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें एवरी कॉन्टैक्ट वाली जो अगर आप शर्त लगाएं तो वो भी कभी रीच करनी तकरीबन नामुमकिन हो। फिर उन्होंने इंटरेस्टिंग एक उसमें है लाइन, हॉटस्पॉट रिस्क आर मिनिमाइज्ड इन वल्नरेबल प्लेसेस सच एज नर्सिंग होम्स। ये कॉपीड एंड पेस्टेड सा आइडिया लगता है, नर्सिंग होम पाकिस्तान में तकरीबन नापैद है, और यूके में, यूएस में अप टू अ थर्ड और अप टू हाफ ऑफ द डेथ्स हैव हैपेंड इन नर्सिंग होम। सो ये एक तरह का अडॉप्टेड सा ट्रांसपोर्टेड सा आइडिया दिखता है, लेकिन बहरहाल चलें आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा स्कूल्स, वर्क प्लेसेज, अदर एसेंशियल प्लेसेज हैव एस्टैब्लिश्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। स्कूल तो हमारे यहाँ भी खुले ही नहीं है, लेकिन वर्क प्लेसेज में हतुल बसा कोशिश की गई। अब इसमें बात यह है कि कुछ जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स ने और उन जगहों के ओनर्स, ऑपरेटर्स, मैनेजर्स, सीईओज, डायरेक्टर्स, जो भी किसी भी जगह के इंचार्ज हैं, उन्होंने लेनी है। तो ये तो किसी हद तक इन प्लेस है, बट अगेन नॉट टू परफेक्शन। फिर उन्होंने कहा कि द रिस्क ऑफ इंपोर्टिंग न्यू केसेस कैन बी मैनेज्ड, कोट्स में लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली हमारी जो इनबाउंड फ्लाइट्स की स्ट्रेटजी रही है, हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड टफ रिजीम्स इन द वर्ल्ड। हम तकरीबन हर आने वाले का टेस्ट करते रहे अब तक, ये दुनिया में तकरीबन कहीं नहीं हो रहा था। सो दैट्स बीन वेरी हैविली डन।
सो आखिर में डॉक्टर साहब इस पे अगर आप मुझे इजाजत दें, इस पे इजाजत अगर आप दें कतः कलामी माफ, अभी कराची में यानी हाल ही में मेरे ख्याल 4-5 रोज पहले, और ये खबर इसको कॉन्ट्रडिक्ट किसी ने नहीं किया, ये था कि सऊदी अरेबिया से फ्लाइट आई जिसमें 145 लोग थे जो कि पॉजिटिव थे, और वो पॉजिटिव थे और वो चले गए घर, उसके बाद कहा ट्रेस करें। आपने इस चीज को फॉलो अप किया, व्हाट हैपेंड देयर? बिकॉज पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, सही आप कह रहे हैं कि जी चेक हो रहे थे एयरपोर्ट पे, व्हाट हैपेंड इन दिस केस? स्पेसिफिक केस की डिटेल तो चूंकि मैंने पर्सनली नहीं फॉलो की भी, मैं आपको ऐसी बात नहीं बताना चाहूंगा जो कि किसी सूरत भी कहीं से इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट हो। लेकिन देखिए, जो जनरली इनबाउंड फ्लाइट्स की जो स्ट्रेटेजी दुनिया भर यूज कर रही है, उसमें वो सिम्टोमेटिक स्क्रीन पर ज्यादातर चल रहे हैं, बहुत कम जगह हैं जो एक्चुअली टेस्ट कर रही हैं। टेस्टिंग के अपने मसाइल हैं, और ये जो फ्लाइट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सी हमारी कुछ स्पेसिफिक ममालिक से जो फ्लाइट्स आई, उनमें जो प्रोपोर्शन ऑफ लोग थे जो टेस्टेड पॉजिटिव थे वो कदरे ज्यादा जरूर थे। सो इस चीज के लिए भी एक वेरिएबल और फ्लेक्सिबल और सेंसिबल अप्रोच चाहिए। सो किसी भी सूरत में मेरे ख्याल से जो कोई भी ये नहीं कह सकता कि आइंदा आने वाले दिन खतरे से खाली हैं, बिल्कुल खतरे से भरपूर हैं। और जैसे डॉक्टर जावेद अकरम साहब फरमा रहे थे, बड़ी उन्होंने अच्छी बात कही कि एज प्रोफेशनल्स तो हम यही कह सकते हैं कि इस बीमारी को रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका यही है कि इंटरेक्शंस कम से कम हो, मास्क का इस्तेमाल क्लोज क्वार्टर्स में जहां हो वहां हो, हजूम को या प्रिवेंट किया जाए या वहां जाया ना जाए, और जो तमाम जो उन्होंने मतलब आउटलाइन जो दी है, यानी कि जो एक्टिविटीज हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं चाहूंगी प्रैक्टिशनर्स जो ऑन द ग्राउंड इन चीजों को इन्फोर्स करवा रहे हैं, झगड़ा साहब आप दोनों और मुसरत चीमा साहब आप लोग सुनते रहिए गुफ्तगू, जरा ये बताइएगा कि इस वक्त फॉर एग्जाम्पल केपीके में भी वही कंसर्न्स हैं जो हर जगह, और WHO का खत तो सब लोग अब इस्तेमाल करके उस पर बात करें, लेकिन पाकिस्तान के अपने डॉक्टर्स एक तवातर के साथ कह रहे हैं, PMA हो कोई और डॉक्टर्स हो, वो कह रहे हैं जी मसला ये संगीन है, इसको और रिस्ट्रिक्ट करें ट्रांसमिशन मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके। तो झगड़ा साहब आप लोग केपीके में व्हाट आर यू प्लानिंग? देखें, पहले तो आई वुड जस्ट से कि जो फैसल ने कहा है और वी वर्क वेरी क्लोजली, मैं आई वुड लाइक टू सपोर्ट दैट 100%, क्योंकि आई थिंक अगर मैं उसको सिंपल अल्फाज में जो है वो कहूँ तो बेसिकली अगर हम उसी कॉन्वर्सेशन से, उसी गुफ्तगू से आगे ना बढ़े जो बहुत पहले हो रही है, तो आधा जो हमारा इशू, जो इशूज हम फेस करते हैं, मेरे ख्याल में मोर देन हाफ ऑफ देम आर नाउ अबाउट द फ्रैक्चर्ड नैरेटिव, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेले में ठीक नहीं कर सकती, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पे हमले होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लो अप्स होते हैं जब केस मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, या जब हम एक फ्लाइट को पकड़ लेते हैं उसमें कोई इशू होता है उसको हम नेशनल लेवल पे वो करते हैं। मतलब मेरा ये नहीं है कि ये मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो लोगों के बिहेवियर को, लोगों के इम्पैक्ट को, लोगों के ट्रस्ट को अफेक्ट करती है। और मेरे ख्याल में जैसे फैसल का मैंने खुद वो 6 conditions जो है वो देखी है, और इन अ वे वो 6 conditions तो लगता है कि किसी ने लिखी है टू ट्राई एंड अब्सॉल्व देमसेल्व्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे कोई उनको फुली जो है करने का तरीका बनाए, मसलन अगर हम कहें कि रफली जो नंबर ऑफ पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं वो 10 गुना है दैट वी फाइंड, तो मुझे शायद दिन के 60,000 या 70,000 टेस्ट्स केपी में करने पड़े। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि मैं 60,000 या 70,000 टेस्ट्स दिन के कैसे जो है वो कैपेसिटी में कैसे बिल्ड करूं। अगर वो मैं नहीं बिल्ड करता ठीक, तो जो इकोनॉमिकली जो इम्पैक्ट है उसका, जो सोसाइटी पे लॉस है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक लॉस की बात नहीं करता, जो ओवरऑल सोसाइटी पे लॉस है वो बेयर करने का कोई तरीका नहीं है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आप सिर्फ हमारे स्टेटिस्टिक्स और इंडिया के स्टेटिस्टिक्स देख लें जो प्लस माइनस एक जैसे ही है इन टर्म्स ऑफ द राइज इन केसेस, इन टर्म्स ऑफ द राइज इन डेथ्स, और अगर एक जैसे हैं तो अगर उनका जो नेशनल नैरेटिव था, अगर आप हम ये मान ले कि वहां पे ज्यादा क्लियर था, वहां पे लॉकडाउन ज्यादा क्लियर था, तो उस सारे के होने के बावजूद वो क्यों अभी उसी तरीके से उसको उठा रहे हैं?
तो आई थिंक द टाइम जी 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 झगड़ा साहब, दैट इज अनदर डिबेट. अनफॉर्चुनेटली टाइम को मैं चाहूंगी एक मुसरत साहब के पास जाऊं. मुसरत चीमा साहब, लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से बहुत ज्यादा खदशात हैं. आपके अपने मिनिस्टर्स उस पर बात करें, डॉक्टर्स बात करें, तो लॉकडाउन आपके प्रोविंस में वही रहेगा, यानी लॉकडाउन नहीं जो भी SOPs की इन्फोर्समेंट वगैरह, या अगले आने वाले कुछ और भी तरीके हैं जो कि अप्लाई किए जाएंगे इसको ट्रांसमिशन को कम करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नसीम जारा. बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. मैं पंजाब में जो रुझान देखती हूँ, यहाँ पे लोगों की ख्वाहिश ये है कि 11 करोड़ का सूबा है और यहाँ पे SOPs को इंप्लीमेंट कराने के लिए 11 करोड़ की फोर्स इनके ऊपर लगा दी जाए, जो 24/7 इनको याद कराए कि उन्होंने मास्क पहना है, हाथ धोने हैं. जी वो जो पॉसिबल इनफैक्ट बिल्कुल नहीं है पॉसिबल. उससे अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, देखें बिल्कुल ये चीज काबिले गौर है कि खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, वो टाइम आ जाता है कि जब हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी और जो पेशेंट्स है वो दोनों मैच कर जाते हैं और खुदा ना खास्ता अगर नंबर इस लेवल पे बढ़ जाए तो फिर हम हर तरह की ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए तैयार हैं, मेंटली भी और साथ साथ. अच्छा, आप कह रहे हैं अभी इतना प्रेशर नहीं है, इस वजह से आप जो ऑप्शंस जो अभी हैं वो आप जाहिर टेबल पर नहीं रखते, खुदा ना खास्ता ऐसी, यानी कि और ज़्यादा सख्ती करने वगैरह की. अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन खत्म हो गया, हम मुसर्रत चीमा साहब से फिर गुफ्तगू करेंगे. ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है और बार बार हम कहते हैं इसमें बहुत से पहलू हैं. देर इज़ नो एब्सोल्यूट राइट, देर इज़ नो एब्सोल्यूट रॉन्ग. परेशानी सबको यकीनन है, हुकूमत को भी है, आपको भी है, हमें भी है. उसके साथ साथ ये ज़रूर करें, परेशानी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ज़रूर, हर तरह की जिम्मेदारी. हाथ भी धोएं, मास्क हर सूरत पहने. ये बड़ा ठीक कहा है कि नो मास्क नो सर्विस, ऐसे ही होना चाहिए और इन्फोर्समेंट के तरीके भी होने चाहिए. बहरहाल नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं और WHO के खत का कहते चलें. वो तो यानी कि खत आया तो फिर और गुफ्तगू फिर से फोकस हो गया, नहीं तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि कंसर्न्स बहुत हैं कि फैलाव ज़्यादा है. बहरहाल हुकूमत इज़ डूइंग व्हाट इट शुड, वो एक और डिबेट है कि मैसेज मिक्स गया है और उसके नतीजे में क्या हुआ है. बहरहाल नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वो इशू जो बड़ा इशू है अगले 2-3 दिनों में आने वाले बजट का इशू, उस पर बात करेंगे. हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हफीज पाशा साहब होंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. अब बात करेंगे बजट की. बजट के हवाले से आपको जैसे मालूम है आज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उसको किया चेयर और उस पर कुछ मोटे मोटे जो हैं बजटरी फिगर्स वो हम आपके सामने पेश करते हैं. एक तो खैर नाज़रीन ये तय हुआ, अभी कुछ ही देर पहले ये भी खबर आई कि पेरिस क्लब ने पाकिस्तान को उन 4 ममालिक में शामिल किए जिन पर जिनको रिलीफ मिलेगी, डेट रिलीफ मिलेगी. तो तकरीबन शायद 2 बिलियन के करीब जो है डेट, 1.8 बिलियन पाकिस्तान ने जो डेट देना है मई से लेके अगले साल जून तक, उसमें उसको रिलीफ मिली है 1.8 बिलियन की. साथ साथ हमने ये भी देखा कि ADB ने कोई $50 करोड़ दिए कोविड के लिए, तो ये कोई सपोर्ट का स्ट्रक्चर है. दूसरा ये कि हमने ये देखा कि जो FBR है उसने कोई प्रपोजल्स दिए हैं कि एडवांस इनकम टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाए और ये विदहोल्डिंग टैक्स कुछ फॉरेन एक्सचेंज पर जो खरीदारी है उस पर लगाया जाए. तो टैक्सेस की मद में कुछ रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये कुछ प्रपोजल्स आए हैं. जो कुछ फिगर्स हमारे सामने आए हैं नाज़रीन वो ये हैं कि जो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट बजट वो 18% रिड्यूस होगा. PSDP जो है वो 650 बिलियन होगा जिसमें 100 बिलियन इंक्रीज़ किया गया है. 70 बिलियन जो है वो कोरोना के लिए रखा गया, मुख्तस किया गया है. और उसके साथ जो डेवलपमेंट बजट 650 बिलियन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 364 बिलियन है, एनर्जी के लिए 60 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट के लिए 170 बिलियन है, हाउसिंग के लिए 35 बिलियन, वाटर के लिए 70 बिलियन. नाज़रीन इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज पाशा साहब तशरीफ रखते हैं. हम शुक्रगुजार हैं इनके कि उन्होंने आज भी टाइम हमें दिया. जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, बजट बजट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? अगले साल
ज्यादा से ज्यादा शर नमू 1% हो सकता है या 0 के करीब, तो आपका आगाज इससे है। दूसरी तरफ आपने एक दो और अहम आदाद शुमार का जिक्र किया है। आपने ये कहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल लेवल पर, जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तय करता है सालाना, वो तकरीबन 650 अरब के लगभग होगा। इस साल मुश्किल से हम 500 अरब कर पाएंगे, तो इसमें 30% इजाफा है और ये बड़ा मुनासिब इजाफा है कि इसलिए कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके नतीजे में आपके देखें कि रोज़गार में इजाफा होता है, लोगों की आमदनी में इजाफा होता है, और इसके नतीजे में एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप 1 रुपया खर्च करें तो हमारा नेशनल प्रोडक्शन 2 रुपया का इजाफा होता है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये 30% इजाफा बहुत मुनासिब है। मगर इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो PSDP है फेडरल लेवल पर, वो पिछले 6-7 साल से तकरीबन 2 सेक्टर्स में प्रायोरिटी काफ़ी हद तक हमने दी है। एक तो हाईवे सेक्टर है और दूसरा आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। मुझे ये कहना पड़ता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अब हाईवेज के से हटकर वाटर रिसोर्सेज की तरफ जाएं। सीपैक की वजह से हाईवेज में बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मगर अब वक्त आ गया है कि आप डैम्स को क्विकली कंप्लीट करें, बोथ स्मॉल एंड लार्ज डैम्स। और पिछले दिनों आपने देखा कि अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दी थी, तो तेजी से आगाज करें। सिर्फ 70 अरब रुपए पानी के लिए रखना ये बहुत कम है, इसमें तकरीबन 2 गुना इसका में इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान एक पानी का जिसे कहते हैं किल्लत बहुत सख्त होने वाली है, हमारा ज़री सोबा इससे बहुत मुतासिर होगा। आपने कहा कि हट करके, लेकिन साथ ये भी हमने देखा कि ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाएं ज्यादा, ताकि इससे कोई आमदनी भी जेनरेट हो उन लोगों के लिए जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो कि जिनको अभी बड़ा मुश्किल का सामना है कोविड की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री बैठी है। तो वो भी एक शायद कंसिडरेशन हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने देखा है, हाउसिंग के भी बढ़ाए हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट बढ़ाए हैं, लगता है कि लेबर इंटेंसिव की तरफ गए हैं, शायद ये भी वजह है डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आपको लेबर इंटेंसिटी की तरफ जाना है तो आपको रूरल रोड्स की तरफ जाना चाहिए। ये बड़े बड़े हाईवेज जो हैं ये बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन होती है, मैकेनाइज्ड। आप जो गांव में लोग हैं, जो वापस शहरों से गए हैं, जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, उनको अब्सॉर्ब करने के लिए जो दिहाड़ी पे लोग थे, आपको एक बड़ा रूरल रोड्स प्रोग्राम, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों में जहां आपके बहुत से गांव फैले हुए हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि विद इन हाईवे सेक्टर भी प्रायोरिटीज़ में तब्दीली लाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर स्मॉल डैम्स की तरफ आप जाएं तो वो भी बड़ा लेबर इंटेंसिव काम होता है और उसके नतीजे में भी काफ़ी रोज़गार पैदा हो सकता है। अलबत्त मैं इस बात पे खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने 30% इजाफा किया है हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेडरल लेवल पर। अभी तक ये बात वाजे नहीं हुई है कि प्रोविंशियल लेवल पर ओवरऑल PSDP चारों प्रोविंसेस का क्या होगा। हमारा अंदाज़ा ये था कि शायद कुछ हद तक ये फेडरल लेवल से ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि ये 700 अरब के करीब हो। इस साल उन्होंने सिर्फ 450 अरब के लगभग खर्च किया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब से, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर हफीज पाशा साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, हम बजट पर बात करें इनसे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो कोरोना की क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए, और जैसे अभी आपने फरमाया भी क्लियर भी नहीं है कि विच वे दिस इज गोइंग, तो क्या ये रियलिस्टिक है जो टारगेट दिया है? मेरी गुजारिश ये है कि ये ऑप्टिमिस्टिक है, मगर हम सब ये दुआ करते हैं
कि जो COVID-19 है वो पीक जल्द से जल्द करे, लॉकडाउन की इतनी लंबे अरसे की ज़रूरत ना पड़े और मुल्क पहले क्वार्टर अगले साल के एंड तक तकरीबन मामूल हालात पे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो शरे नमू जो है वो 1% तक पहुंच सकती है। ख़तरा इस बात का हमें कम से कम है कि शरे नमू भी अगले साल मनफी रह सकती है। हालात इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं होंगे और ये बात ये भी सोचिए कि हमारा जो हाल होता है जी, वो दुनिया के हाल से मुंसलिक है। अब आप ये देखिए कि सारे एजेंसीज कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में तकरीबन 20-30% कमी आ सकती है। उन्होंने कहा है कि 2020 का जो साल है दुनिया की जो इकॉनमी है वो 3% मनफी हो गिर सकती है। तो ख़तरा तो है और मैं एज़ ऑलवेज हमारी हुकूमत जो हैं वो आगाज़ में ऑप्टिमिज्म की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रियलिज्म एंटर्स लेटर। जी ये वर्ल्ड बैंक ने भी तो ये लिखा है, उनकी प्रोजेक्शन है -0.2% ग्रोथ का उन्होंने दिया फिगर, तो आप उससे अग्री करेंगे? हमारा भी प्रोजेक्शन यही है। हमने एक बहुत बड़ा मॉडल बनाया, पाकिस्तान का पहली दफा फोरकास्टिंग मॉडल, उसके तहत -1% आ रहा है, यानी कि -1%। अच्छा -1% जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस बजट में एक तो जाहिर है जिस पर फोकस प्राइम मिनिस्टर कर रहा है कि जो डेली वेज अर्नर्स हैं और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड वो लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, तो क्या ये बजट उस इशू को भी एड्रेस कर रहा है या जो एहसास प्रोग्राम है वही है जो इसको आगे लेके जाएगा? देखिए अभी तक जो हुकूमत कहती रही है कि हम जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं उन तक हम पहुंचेंगे, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पैसे एलोकेट किए गए हैं शायद टारगेटिंग में बड़ी दिक्कत हो रही है कि कौन है वो। और इस बात का अफसोस है कि अगर हमारा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कायम होता और चल रहा होता यूनियन काउंसिल लेवल वगैरह पर, तो हमें दिहाड़ी के जो मजदूर हैं उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अलबत्ता ये है कि अगर आपने एहसास प्रोग्राम को जारी रखा और वही 1,20,00,000 खानदानों को पैसा पहुंचाते रहे हर चौथे महीने अगले साल, तो इसमें बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसे घराने का होगा जिसका जो सरबरा है वो दिहाड़ी से आमदनी घर ले आते हैं, तो एक तरह से कवरेज उसके थ्रू हो सकती है। मगर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी तरह से कुछ इंसेंटिव्स दें कि हम ख़ास तौर पे ये जो दिहाड़ी के लोग काम करते हैं ये ट्रेडिंग में ज़्यादा का होलसेल रिटेल ख़ास तौर पे रिटेल ट्रेड ठेले वाले होते हैं इस तरह के काम करते हैं, फिर आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे तो गवर्नमेंट का बहुत रुझान है माशाल्लाह और एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया था कुछ अरसे पहले। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल पड़ता है तो जो दिहाड़ी पे मजदूर हैं उन्हें फिर गुंजाइश मिल जाएगी कि उन्हें कुछ रोज़गार मिले। ट्रेडिंग सेक्टर में भी इजाफा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स के निज़ाम को थोड़ा सा उस निज़ाम को हल्का किया और सहूलत दी छोटे छोटे दुकानदार और ठेले वालों को। अच्छा तो वहाँ फर्क पड़ सकता है। तो सब ये बताइएगा कि आप इन्फ्लेशन को क्या उसका ट्रेंड देख रहे हैं अगले एक साल में? यह बहुत अच्छा मुनासिब सवाल है आपका। देखिए मुझे एक बात पहले तो अफसोस से कहना पड़ता है, इस पर मैंने लिखा भी है अखबारों में भी आया है। देखिए आपने तेल की कीमत 30-40% कम की पिछले 2 महीनों में, ऐसी कमी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, मगर उसके नतीजे में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं हुई और उसके नतीजे में हमें परेशानी होती रही है।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों यही पूछा है कि भाई खुदा के लिए आपने 30-40% तेल की कीमत, अलबत्ता इस वक्त तो प्रॉब्लम यह भी है कि तेल है ही नहीं, मगर जब तेल होगा तो आपके ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपने चार्जेस कम करें, उनके खर्चे कम हो गए हैं, वो कॉस्ट जब कम होंगे तो खाने पीने की अशिया जो है उनकी कीमतें कम होंगी, उससे अफरात ज़र में कमी आएगी। दूसरी तरफ जब आप डॉक्टर साहब तेल तो है, सॉरी डॉक्टर साहब जो, जी कता कलामी माफ डॉक्टर साहब, तेल तो है, मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं तेल रखा हुआ है। जी बात यह है कि ऐसी चीज नहीं होना चाहिए था, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि एक तरफ तो आपके हालात खराब हैं, दूसरी तरफ एक और नई परेशानी कि लोग बेचारे जो रिक्शा चलाते हैं या जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, एज इट इज़ हम सब परेशान हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से गवर्नेंस फेलियर है और इसको फौरन ठीक करना चाहिए, इसलिए कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ये कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई है हुकूमत की तरफ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।